हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ चिली चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, जिसे आप अपने घर पे बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन की रेसिपी बनाने के लिए हमने 1.5 किलो चिकन लिया है, जिसे लगभग 1 इंच के क्यूब के साइज़ में कट करवाया है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद अब इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से छील के ग्राइंडर में इसे पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बना के फिर इससे मैरिनेट करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लगभग सोया सॉस डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे, आधा बड़ा चम्मच मैदा। अब इसमें ऐड कर रहे हैं 3 अंडे, जिसको फेंट लेंगे पहले। अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे को चिकन में मिलाएंगे मैरिनेट करने के लिए। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। ओके, तैयार है। अब इसे गरम तेल में डीप फ्राई करेंगे। हल्का लाल ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चिकन हमारा गोल्डन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमारे चिकन क्यूब्स देखिए डीप फ्राई होके बिल्कुल रेडी है। अब तैयारी करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसमें हम अब नेक्स्ट डालेंगे ये क्यूब के जैसे कटे हुए प्याज, कैप्सिकम, हरी मिर्च, जिंजर और गार्लिक बारीक कटा हुआ, टमाटो केचप, अजीनोमोटो, स्वाद अनुसार नमक, ये है कॉर्नफ्लावर का घोल बना के रखा है, सोया सॉस, रेड चिली सॉस। तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन, और अब इसी में डाल देंगे अदरक कटा हुआ, बारीक कटा अदरक। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस खाली स्मेल चली जाए अदरक की, अदरक और लहसुन की। अब इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिली, ऐड करेंगे कटे हुए चॉप्ड अनियन, चॉप्ड कैप्सिकम भी ऐड करेंगे। इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा चलाना है, फिर हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसे। अब इसमें डालेंगे टमाटर केचप, रेड चिली सॉस, सोया सॉस डालेंगे, अब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें ऐड कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर मिक्स वाटर। अब ये लगभग ग्रेवी का जैसा लग रहा है, लेकिन इसे थोड़ा सुखा देंगे। हम बना रहे हैं ड्राई चिली चिकन। 1 चुटकी गोल मिर्च पाउडर डालेंगे, कुछ देर पकाएंगे। ऑलमोस्ट हमारी ग्रेवी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, चिकन को डाल देंगे इस ग्रेवी में, अच्छे से मिलाएंगे ताकि चिकन पूरा ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाए। ये हम बना रहे हैं ड्राई चिली चिकन। फिर से एक बार मैं बता दूँ आपको, लुक एट दिस, लुक एट दिस, हमारा चिली चिकन लगभग बन के तैयार है। और देखिए कितना लजीज नज़र आ रहा है, कलर देखिए इसका। अब चिली चिकन को हम इस हॉट पॉट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप चाहे तो किसी प्लेट में सर्व कर सकते हैं डाल के। अभी हम इसको थोड़ी देर रखेंगे, इसलिए हॉट पॉट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देखिए कितना शानदार कलर आया है।